Hello everyone, this is Mansi from Inignati George Inn. Ab hum exercise 6.5 ka question number 1 karenge. So, PQR is a triangle right angle at P. Ab aapko bataya hai ki PQR ek triangle hai jo ki right angled hai P pe. Right angled at P ka matlab ki jo 90 degree ka angle form ho raha hai, wo P pe ho raha hai. So now, if PQ equals to 10 cm, ab aapko PQ bata diya ki kitna hai? 10 cm and PR equals to 24 cm. Aur agar PR 24 cm hai, find QR. Aapko QR find karna hai. So, ab hume pata hai right angle triangle hai. So, hum triangle draw kar lenge. Yahan pe iska 90 degree angle ban raha hai. Aur yahan pe hume given hai right angle at P. Matlab ki ye jo point hai, ye P ho jayega. Theek hai? Uske baad ab isko PQR इसके बाद आप इसको PQR ऐसे भी लिख सकते हो और you can write it as PQR. That doesn't matter क्योंकि आप दोनों में से किसी भी vertex को Q और R ले सकते हो. So this will be PQR. ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या क्या given है. PQ given है 10 cm. PQ 10 cm. ठीक है, उसके बाद PR 24. PR 24 cm. और आपको फाइंड क्या करना है, QR. QR मतलब ये है हमारी हाइपोटेन्यूस, मींस आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है. आपको पता है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड्स गिवन है, थर्ड फाइंड करनी है. सो हम अपनी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे. सो वी स्टार्ट बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. Now, QR का square, QR square equals to PQ square plus PR square. ठीक है, ये hypotenuse हो गई, इसका square equal होगा बाकी दोनों side के square के sum के. So, अब जो जो हमारे पास values है वो हम put कर लेंगे, ये as it is आ जाएगा. PQ हमारे पास 10 cm है, तो ये हो गया 10 का square plus PR हमारे पास 24 cm है, तो this means 24 का square. ठीक है, अब 10 का square मतलब 10 into 10, 10 into 10 is 100 plus 24 का square, 24 का square करके देखना पड़ेगा. So 24 multiply by 24, right? So 4 into 4 is 16, 4 into 2 is 8 plus 1, 9. This will be 4 2's are 8, 2 2's are 4. So, let's add this 6 and 16, 17, 5. So, my pass aa gaya 576. 100 plus 576. Ab isko add kar denge. So, ye ho jayega 676. So, ye aapke paas aa gaya QR ka square equals to 676. Lekin, aapko find karna hai QR. Aapko sirf QR chahiye. So, dekho. अगर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर हो, लेट्स सपोज AB का स्क्वायर या X का स्क्वायर और यहाँ पे गिवन है 4, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिकॉज़ 2 2 इज़ 4. सो यहाँ पे ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, व्हिच मींस ये AB आ जाएगा 2. ठीक है, ये बस एक एग्जांपल है. तो यही सेम चीज आपको यहाँ पे अप्लाई करने, आपको कुछ ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका ये नंबर स्क्वायर है, ताकि हम स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सके. सो लेट्स फाइंड दैट. अब वो ढूंढने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे. सो हमारे पास नंबर है 676, लेट्स फाइंड द एलसीएम. ठीक है, सो 2 से स्टार्ट करते हैं, दिस विल बी 3 एंड 7 दिस विल बी 3 अगेन, 16 will be 8. Again 2 say, so this will be 1 and this will be 6 and 9. Now 169 aa gaya. 169 13 ke table mein aata hai. So 13, 13 aa jayega. So 13 se fir se karenge, aa gaya 1. Ab aapke paas aa gaya 2 into 2, 13 into 13. Ab aap iske pairs bana sakte ho, like 13 into 2 is 26, 13 into 2 is 26. So, आपको पता चलेगा कि 26 multiply by 26 होता है 676.
अब यहाँ पे हमारे पास है 676, सो इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 26 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 26 मल्टीप्लाई 26 मतलब 26 का स्क्वायर, एंड अगेन स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्यू आर आ जाएगा 26। हमें क्यू आर फाइंड करना था एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। फाइन, सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।